सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y28s डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर फ्लैश लाइट रिमाइंडर सेटिंग्स को इनेबल कैसे करेंगे। दैट मींस गाइस, जब भी आपके फोन पर कोई भी पर्सन कॉल करता है तो रियर कैमरे की जो बैक फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करती है, दैट मींस बंद होती है, चलती है। तो एक इंटरेस्टिंग होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो अगर आपको इसे इनेबल करना है तो आप एक सिंगल क्लिक के अंदर ऑन कर सकते हैं। गाइस, इसे ऑन करने के लिए आपने सेटिंग्स को ओपन करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। इसमें एक शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स मिलेगी, इसको जस्ट प्रेस करना है। देन अगेन आपने स्क्रॉल करना है नीचे, इसमें एक सेटिंग्स मिल जाती है फ्लैश नोटिफिकेशंस, इसको प्रेस करना। और ये यहाँ पर एक सिंगल ऑप्शन मिलता है, मैंने आपको बताया एक सिंगल क्लिक के अंदर आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। जस्ट प्रेस करेंगे तो ये डिसेबल्ड हो जाएगा। देन अगर इसको इनेबल करना है तो जस्ट इसको प्रेस कर देंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। देन जब भी कोई कॉल वगैरह आएगी तो आपके जो रियर कैमरे की फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करेगी, दैट मींस बंद होगी और जलेगी। और अगर ये जो है रात के टाइम एक्सेस करोगे तो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके फोन पर कोई कॉल वगैरह आ रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपकी स्क्रीन की लाइट ऑन है तो ऐसे केस में ये ब्लिंक नहीं करेगी। बट बहुत सारी कंपनियों में ऐसा आता है कि स्क्रीन लाइट अगर ऑन भी रहती है तब भी ये ब्लिंक करती है, बट ये वीवो एंड आईक्यू दोनों में ऐसा नहीं होता। तो स्क्रीन की लाइट ऑफ होगी तभी कोई कॉल आएगी, तब ये लाइट ब्लिंक करेगी।